आकड़ी और ना आती क्या चीज समी इधर ना दे लूट वाला ना दे टेंपो ना अपना होगा टेंपो ना अपना समी टेंपो ना अपना दो बाल आठ खंस गलती ना लगो देश इंडिया ने समी इधर नहीं करा बिल्डिंग को नहीं ना गलती उसी ने और ये है नहीं है तो और दो आजा आजा गलती ना गलती है दो कौन ले आप तो ये कॉल ही नहीं मैं वो बाउंड्री है वो सबसे लगा बॉडी नहीं जाना वो पिक्चर भाई है वसीम थोड़ी ये ऐसे जाओ आदमी आ गया आ गया ये तीन वाले बाहर क्या होता है मार अरे होता है अरे भाई ना अरे रोहित टाटा ने मार दिया वीडियो रोक समी अटैक करना आउट करना समी बहुत अच्छे चार बाउंड्री है इसी एक पिच पे और एक सिंगल थोड़ा रन आए आए जल्दी लो खेलना है सारा रन दो बल समी अंदर आ थोड़े जल्दी रही आराम है जावी जावी शॉट शॉट जावी आउटी आउटी अगला वीर आ गया वीर आ गया दो बाले जावी दो बाले बीस उन्नी अठारा उन्नी उन्नी बहुत ज़्यादा दो सिंगल था एक नहीं वाइट नहीं रूम में बढ़िया पहले थोड़ा ना बिचारे बिचारे सिटी भी है देखो बल्ले भाई रन ना उठे ओए बल्ले बहुत ही जल्दी चार चौके
हरिपाल जी अली सी लैने लाल जी बहुत अच्छे नहीं यार दोस्तों का मिटा की लेनी दोस्तों का कितने रन हो गए किस रन करी है जुनैद मुख्तार अली क्रीज पे आ चुके हैं, पहली बॉल पे 6 रन और दूसरी पे चौका। अब वो देख रहे हैं कि फील्डर कहाँ पे मौजूद है और गैप बहुत मिला हुआ है आज इन्हें, और बॉलर भी हमारे माशाल्लाह सुभान अल्लाह समीउल्लाह है। और ये तीसरी बॉल पे आ रहे हैं, और मिस। अंपायर बैट्समैन का इशारा मिलने पर वाइड दे रहे हैं, सिंगल। कितने रन्स? 3 ओवर और 37 रन्स, बहुत अच्छे। आप पहला रन आउट तो देख चुके होंगे, मैंने नहीं देखा, मैं वीडियो में ही देखूंगा जब लगेगी। चार बॉले 37 रन और लास्ट बॉल 38 रन और ये जुनैद मुख्तार अली की सिंगल। और टाइम टाइम दस नरवी टाइम दस टी टाइम टाइम आई तो सब फोन करो मेरा फोन वसी फोन है वसी फाइल कर यार टूट गया सीरियस प्ले नहीं बिगड़ अली भाई फोन पास है अली आओ बोल नहीं अली भाई ओ अली भाई अभी टाइम क्या यार 39.7 दुआ बाल40 रन बहुत अच्छी बॉल आए फ्रेश अप खाएं। ये ऑपोजिट टीम के कैप्टन से मैंने लिया, देखते हैं इसके बदले वो क्या चाहते हैं आप। कभी बॉन्सर मारना बॉन्सर आउट ओ यार ठीक है वही बाल छूट जाए आउट नहीं होती हट जाए जी वसी 2:42 नहीं है ना 2:42 2:42 आउट ही कभी मोहम्मद आसफ अली मार बदलवा
और अब कीपर आए हैं हमारे अपने मोटे चंदू जिनके फोन में वीडियो बांध रही है, और बॉलर आए हैं बड़े ही खतरनाक बॉलर हैं फयाज मजीद। और पहली बॉल पे ही कुछ नहीं, बहुत अच्छा वर्क रहा। एक बार 46 और दूसरी बॉल पे चौका, चार रन, बहुत अच्छे, बहुत लूज बॉल करवा गए थे और बैट्समैन ने इसका भरपूर फायदा उठाया। बंद है चांद। और चीज क्या हाल है? बिल्कुल चांद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अपने बॉलिंग के निशान से निकले विलीत जिसका सामना कर देंगे, और डॉट बॉल। आज का ये दूसरा टेस्ट मैच बिल्कुल जी फील्डरों को बुक्स आ रही है इस टाइम, जो कि काफ़ी वसीम की फील्डिंग पर दौड़ाते हुए नजर आएंगे। गेंद चांद अपने बॉलिंग के निशान से निकले और शॉर्ट पिच बॉल उठा के खेल दिया, आउट होने का खतरा जरूर है और वसी जाएंगे पवेलियन वापस। अनदर विकेट इज गॉन दिस टाइम चांद, व्हाट एन विकेट। ये होता है अपने सीनियर प्लेयर को नॉन आउट कराओ और फिर अपनी विकेट भी गवा दी। ये सीनियर प्लेयर की रन आउट करे आई ना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि हमारा एक खिलाड़ी आउट हो गया। अरे आखिर इसमें रन आउट करे सीनियर प्लेयर की रन आउट करे
बिल्कुल चांद जिस तरह अपने बॉलिंग के अपने स्टंट से जाने जाते हैं, उन्होंने आते ही अपनी विकेट टीम को विकेट दिलाई। ज़बरदस्त खतरनाक बैट्समैन वलीद की। और नेक्स्ट आने वाले बल्लेबाज है हसीब, दूसरी एंड पे मौजूद कैप्टन, अभी तक क्रीज पे मौजूद। दूसरी साइड चांद अगेन बॉलिंग के निशान से, फुल टॉस बॉल थी लेकिन इस टाइम काफी भारी जिम्मेदारी इनके कंधों पर मौजूद है। विकेट रोकने का खतरा एक तरफ और दूसरी तरफ लीड का। ओ व्हाट अ बॉल, अनदर यॉर्कर। ओ दोनों ने भाई ने स्कोर किया और ये होती है कि आपने गेम में कितना हाजिर दिमाग रखना है। रन से रन और फुल टॉस उठा के बाउंड्री के बाहर फेंक सकते थे लेकिन विकेट्स काफी गिर चुकी हैं। इसके बाद दारोमदार हसीब के कंधों पे और कैप्टन जुनेद ऐसे चौन बॉलिंग के निशान से निकले। शॉर्ट फिट बॉल थी लेकिन बिल्कुल डॉट कर गए, बैक फुट पे खेलने गए थे। मेरे को बीमार तो दर्द भी है मैनू आज। और आने वाले ने बॉलर फियाज, ओ आठा शॉट, ड्राइव खेली थी लेकिन सेमी फील्डर थे अपना लेकिन कैच को कैप्ट नहीं कर पाए। अच्छी बॉलिंग और अटैक पे अटैक किया जा रहा है। पहले ओवर के विकेट, पहले ओवर के बाद विकेट मिलने के अच्छा मोमेंटम कैरी किया है बॉलिंग टीम ने। और दिस टाइम पेस इज डिलीवरी, अली दूसरे पे ड्रिप दिए नहीं, अब बाल जी का ड्रिप कर दो थोड़ा है अभी वो वाला बाल देना अली को ड्रिप। अच्छा भाई ना दो है पीछे, हां भाई का दो है, नहीं दो है भाई का, दो कैच चाहिए, भाई का दो कैच चाहिए, भाई का दो, भाई का हां इस तो पहला कई दो निकल गए नगे और ठीक है उली रेड दियो हूं छोड़ो पर आ रहा मेरे के कठी को भी पंजी पा दियो भाई ना और दिस टाइम इस गेम अपील जरूर की गई है लेकिन नॉट आउट। एक मिनट कॉल कर ला लो। अच्छी बॉलिंग फियाज आया गेंद अपने बॉलिंग के निशान से निकले जिन्हें सामना करेंगे और फिर डॉट बॉल। ओए बाय लग पे सारे थोड़ी ये जगह जाओ कर दे और बाहर हो जाना पर बन जा लास्ट बॉल। और अच्छी शॉट कट शॉट खेला, एक रन का मजीद इजाफा। सॉरी डाउन द विकेट, दो रन निकल आए। अस्सलाम वालेकुम, और मिर्जा जी किधर हो? आ जाओ ग्राउंड च, इधर विकेट लै पे जल्दी जाओ। और जिन्हें भाई ना सीब लै गए जल्दी आओ। अच्छा किस शब्द कब हो गए? मैं आउट हो गया, वसी आउट हो गया। पास कर दी जी, ओवर खत्म है, पास कर दे। एंड अदर हसीब और दूसरी साइड से चांद और अच्छा डक, पहला बॉल कामयाब बॉल। चांद अगेन अपने बॉलिंग के निशान से निकले, ओ शॉर्ट पिच बॉल थी, ये आउट होने का खतरा था लेकिन लकी रहे इस दफा बैट्समैन। अच्छी बॉलिंग चांद की तरफ से, कैरन प्लॉट जैसी जिसामत रखते हैं। और हसीब और अच्छा शॉट, दिस टाइम
फ्लिक खेला लेग साइड की जा रहे हैं, अच्छी शॉट खेली, फील्डर के लिए कोई चांस नहीं था बॉल रोकने का, लेकिन दौड़ के बॉल को सेव किया, दो रन बचाए अपनी टीम के लिए फयाज ने। और अगेन एंगल चेंज कर गया है चांद, वो फुल टॉस बॉल थी लेकिन जो अच्छा शॉट खेल दिया इस दफा से हसीब के बल्ले से आता हुआ पहला चौका। वेलकम टू द बाउंड्री, लड़का रात को इसने ये तय करके सोया था कि मैं 50 रन सुबह मारूंगा। दूसरी तरफ समी है जो कि मंजे में बैट्समैन है, इन्होंने ये तय करके सोए थे कि हम 100 मारेंगे, और ये अगर मारते रहे 150 तो हम दिन पूरा फील्डिंग पे ही होंगे। फिर और इस दफ़ा मुझे वसी पे बड़ी हैरत महसूस हो रही है कि जब जब वो अंपायर आते हैं तो मुझे इन पे तब चढ़ती है क्योंकि इन्होंने रन आउट कराया इतना इजी रन आउट, और अगेन डाउन द लेग साइड, लेकिन वाइड बॉल नहीं करार दी गई क्योंकि टेस्ट मैच है और ये पत्थर के बाहर से ही वाइड बॉल होगी। और बॉलिंग में तब्दीली लाई गई है, लेके आए हैं अपने मंजे हुए पेस बॉलर शेबी को। हम जहन मिनहास को अपने इस ग्राउंड आने पे खुश आमदीद कहते हैं, नए आने वाले बॉलर हैं शेबी और फेस करेंगे कैप्टन जी है। ओह व्हाट अ बाउंसर, बल्ला लेट आना है वो कहता है। और शेबी और दिस टाइम वो किधर गया, लानती रन आउट करा रही है। हाँ एक और इस बल्ले ना सिर्फ हूँ सैकेंड इन वारी होगी, पहला ने कर सकने हैं। और शेबी आए हैं अपने बॉलिंग के निशान से निकले, अच्छा बॉल फील्डर के हाथ में सेफली, कोई रन नहीं आकर के बैठे यार मैंने गोडी कैसे काम नहीं फील्डिंग में जाएगा। शेबी आया और दफा एक दफा फिर बाउंसर किया चांद के हाथों में सेफली, एक दफा फिर डॉट बॉल जी, बिल्कुल पता लग रहा है वाकई टेस्ट मैच है, लेकिन जब जब ये स्टॉप करते हैं तो दिल के अंदर एक आग सी उठती है कि क्यों रन आउट हुए। छह नंबर की शर्ट मेरे जैसी पहनी है, लेकिन मैं तो आज अनलकी रहा, अनलकी रहा। पहली चार बॉल में बाउंड्रीज आई थी लेकिन पांचवी और छठी बॉल पे रन आउट करार दिए गए। काफी देर हो गए थे, 8वां 9वां ओवर और समी आएंगे बॉलिंग के लिए और क्रॉस लगाने गए थे लेकिन अंपायर का इशारा देखना होगा, वाइट बॉल समी जो के जडेजा के कोच माने जाते हैं। जी बिल्कुल, ओ बिल्कुल बहुत अच्छा है। लेग साइड पे हमारे वो चांद कैप्टन खड़े हैं, यहाँ पे स्टैलियंस पर्पल और स्टैलियंस ब्लू ब्लू बिल्कुल का तगड़े और कांटेदार मुकाबला जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ वेट सिर्फ मलिक जंगीर का किया जा रहा है। और अच्छा बॉल इस दफा पर ना हल्का सा पड़ने के बाद बाहर निकला, जो के रिकी पॉइंटिंग के दादा के कुछ लिखते हैं, बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और आपको बताया कि ग्राउंड तमाशा उसे बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पायलट स्कूल जब जैसे जैसे याद करेंगे सामना अश्विन का बॉल करवा, ओह वाह बहुत ही अच्छा डिसाइड, और इस दफा फिर रन आउट होने का खतरा मगर बॉल बॉल बचे। बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना होगा जैसे मेरे और वसी के दरमियान हुई। एक दफा फिर अश्विन आएंगे बॉलिंग के लिए और कैच आउट होने का खतरा, बिल्कुल बॉल
आउट करार दिए जाएंगे हसीब जराल, और इस दफा एशविन ने अपना काम कर दिया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। दिस टाइम एशविन ऑन फायर। उजैर साड़ी से है ओके की तई होए तेरे में 50 रन लिख छड़े से पहले ही यार अभी जैसे अभी की और ज़ैन मिनाज आए हैं जिनका ताल्लुक रकमल पावल के बल रकमल पावल के खानदान से रखा जाता है कि काफी लंबे लंबे छक्के लगाने के ये सलाहियत रखते हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल बॉल को घुमाते हैं एशविन। वाह ये है टेस्ट मैच की पावर। और इसी के साथ ओवर, और इस दफा शेप भी लाए गए हैं अपने अटैक के लिए। और अच्छा बॉल सीधे बल्ले के साथ बॉल को डिफेंस किया डिफेंसिव अंदाज में। और चांद ज़रूर कुछ बॉलिंग की टिप्स देने गए हैं शेबी को, हालांकि शेबी सीनियर बॉलर है चांद से। और दब ड्रॉप, ये चांस इनको काफी भारी साबित हो सकता है कि कप्तान का कैच छोड़ दिया तो मैच छोड़ दिया। शेबी अपना काम कर गए थे लेकिन कीपर बॉल को कैप्ट नहीं कर पाए कि एमएस धोनी के शागिर्द माने जाते हैं फयाज, काफी डाइव्स लगा के बॉल को रोकते हैं लेकिन आज ये कैप्ट नहीं कर पाए बिल्कुल। और अच्छा बॉल, एक दफा फिर अच्छा बॉल। ये चांद ने जरूर शेबी के कान में थोड़ी गुशमुश की थी कि यहाँ पे बॉल कीजिए, और उसी जगह से एज निकला और फयाज ये कोचिंग करते आए हैं ऋषभ पंत एमएस धोनी। लेकिन और एक दफा फिर बिल्कुल बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा, जिन्हें काफी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी साइड बस बॉल को घुमाया जाए आगे पीछे, लेकिन बैट कहीं होता है बॉल कहीं से निकल रही है, कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा किसी काफी देर का। शेबी अगेन बॉलिंग के निशान से निकले, और अच्छा बॉल, एक और अच्छा बॉल, बार बार बॉल होते हुए बचे, हल्का सा आउटसाइड एज लगा। और दूसरी जानिब मौजूद है ज़ैन मिनाज जो कि रकमल पावल के खानदान से तल्लुक रखते हैं। आवाणगे नहीं नहीं वो कौन चुका। और शेबी बहुत तगड़ी बॉलिंग करते हुए, और फिर कप्तान ने एशविन को आजमाने का फैसला किया है और आएंगे एशविन बॉलिंग करवाने के लिए। और सामने बिग हिटर ज़ैन मिनाज, और रन आउट होने का खतरा जरूर था लेकिन बीट हुए। और एशविन को लाया गया है जिस अंदाज से वो जाने जाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही बल्लेबाजी करनी होगी, सिंगल डबल सिंगल डबल, क्योंकि काफी विकेट्स गिर चुकी है। ज़ैन मिनाज अगेन एशविन, ओ बिल्कुल काफी खतरनाक साबित होते हुए अपनी फिरकी से एशविन, रविचंद्र एशविन के शागिर्द समी, और एक दफा फिर कैच आउट होने का लेकिन फील्डर थोड़ी दूर खड़े थे। और रविचंद्र एशविन के शागिर्द समी और आउट, जब बड़ी हिट लगाने गए थे काफी डेंजरस साबित होते हुए समी, हालांकि लूज बॉलर रही है। अच्छी बॉलिंग, शेबी अगेन बॉलिंग के निशान से निकले, और अच्छा शॉट लेकिन कैप्ट नहीं कर पाए समी, बॉल जाएगी डबल के लिए जरूर कॉल की थी लेकिन बीट हुए। 68 रन हो चुके हैं एट द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और इस बॉल बिल्कुल कैमरे के पास से गुजरी, लैंड हो जाओ, लैंड हो जाओ, ओ बड़ी दादा वो बुड्ढे
और एल पी डब्ल्यू आउट होता तो ये ज़रूर आउट करार दिया जाते, क्योंकि शेब भी बहुत ही ख़तरनाक स्पेल कराते हुए। अगेन अपने बॉलिंग के निशान से निकले शेबी और फेस पर गए, अपने आप फुल जोर लगा के बॉलिंग कर रहे हैं शेबी, कोई मौका छोड़ नहीं रहे। शेबी अगेन वाइड बॉल, काफ़ी देर से स्ट्रगल करते हुए इस ओवर में अगेन जिन्हें कोई कनेक्शन नहीं बैट एंड बॉल का, बस मारी जा रहे हैं हवा की तरह यहाँ से वहाँ से। ओ बाउंसर, खतरनाक बाउंसर, कोई फील्डर मौजूद नहीं था पीछे की जाने, बहुत खतरनाक बाउंसर करवा रहे हैं शेबी, काफ़ी ज़बरदस्त पेस निकालते हुए। और चांद इनके को बॉलिंग कोच है, हेड कोच चांद, और मिर्ज़ा हमारे टीम कैप्टन तशरीफ लाते हुए ग्राउंड में, और इसे अवर करार दिया गया। रवि चंद्र अश्वन, ओ दफा फिर